हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, जो थ्योरी कंसेप्ट हमने समझा है, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो जो पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, यदि आपने हर क्वेश्चन में उसी पैटर्न से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आपका जो कैलकुलेशन है वह एकदम राइट जाएगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है कि एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड में 31 मार्च 2014 को अंश प्राप्त किए। सबसे पहले ये देख लीजिए कि कौन सी होल्डिंग कंपनी है और कौन सी सब्सिडरी कंपनी है। तो एच लिमिटेड ने प्राप्त किए, ने लिखा है, एच लिमिटेड ने, इसने प्राप्त किए हैं, मतलब ये हो गई हमारी सूत्रधारी कंपनी। और जो सेकेंड बची हुई वो कौन सी हो जाएगी, सहायक। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि उसने अंश जो है कौन खरीद रहा है और कौन बेच रहा है और किस तारीख को खरीद रहे हैं। तो हम वो भी एक नोट कर लें, क्रय तिथि कितनी तारीख को, 31 मार्च 2014 इतनी तारीख को क्रय किए, क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें सबसे पहली स्टेप करनी है, पहली स्टेप हमारी रहेगी लाभ और संचय को किसमें बांटना, पूर्व और पश्चात। अब ये क्या होता है, तो पूर्व और पश्चात में हमें बांटना जरूरी है, क्योंकि अभी हमने कैलकुलेशन सीखी थी थ्योरी लेक्चर में। तो उसमें लाभ और जो संचय है उसे हमें क्रय तिथि के पहले का कितना है और बाद का कितना है वो निकालना अनिवार्य है। यदि हम इस सवाल को देखें तो किस तारीख को खरीदे, 31 मार्च 2014, और ये कौन सी तिथि है, चिट्ठे की, मतलब चिट्ठा हम कब बनाते हैं, वर्ष के अंत में। तो स्टूडेंट, तीन कंडीशन आपकी इसमें आ सकती है। पहली कंडीशन, यदि वर्ष के अंत में खरीदे, यदि सूत्रधारी कंपनी ने जो सहायक कंपनी को कैप्चर किया है वह वर्ष के अंत में किया है, तो जो लाभ और संचय है वो पूरा की पूरा कब का होगा, अंत में खरीदे हैं इसलिए पूर्व का, पहला कंसेप्ट। यदि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी के अंश वर्ष के प्रारंभ में ही खरीद लिए, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, मतलब वर्ष के प्रारंभ में ही परचेस कर लिए, तो पूरा का पूरा लाभ और संचय बाद का होगा, क्रय तिथि के बाद का होगा, क्योंकि पहले दिन ही आपने खरीद लिया, तो जो कंपनी ने लाभ कमाया वो खरीदने के बाद का कहलाएगा। और ऐसा भी हो सकता है यदि वर्ष के मध्य में खरीदे, यदि सूत्रधारी कंपनी ने मिड ऑफ द सेशन, जैसे यदि हमारा सेशन 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का है और इसमें मान लीजिए मध्य में 1 मार्च को खरीदे, सूत्रधारी कंपनी ने 1 मार्च को खरीदे, तो पूर्व के मंथ कितने हो गए, जनवरी फरवरी, 2 महीने, और बाद के कितने बचेंगे, 10 महीने। मतलब जो भी लाभ हमें दिया रहेगा उसको, जो भी लाभ दिया रहेगा उसको हम करेंगे 2/12, 2 महीने का लाभ जो है वो पूर्व का होगा और 10 महीने का लाभ पश्चात का होगा। तो ये तीन कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में आ सकते हैं। यदि हम इस क्वेश्चन में देखें तो कंसेप्ट कौन सा है, ये तीनों कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग रहते हैं बहुत सारे, कोई सा भी आ सकता है। अब हम इस कंसेप्ट को यहाँ पे फॉलो करते हैं कि उसने खरीदे 31 मार्च को और उसी दिन चिट्ठा, और चिट्ठा हमें पता है कि वर्ष के अंत में ही बनाते हैं, तो मतलब ये वाला रूल है। तो इस रूल के आधार पर जो लाभ है हमारा, लाभ और संचय है सहायक कंपनी का, देखना ठीक है, सूत्रधारी का नहीं, लाभ और संचय पूरा पूर्व का रहेगा, 15,000 रुपए, 15,000 रुपए, ठीक है, पश्चात का निल, क्लियर। यदि यहाँ पे डेट लिखी रहती 1 अप्रैल 2013 को प्राप्त किए, 1 अप्रैल 2013 को प्राप्त किए यदि लिखा होता यहाँ पर, और चिट्ठा वो बनाता वर्ष के अंत में, तो ये जो दो लाभ है ये मैं कहाँ पे लिखती, पश्चात में,
और यदि ऐसा होता कि यहां पे लिखा होता कि उसने अंश जो है 1 सितंबर को प्राप्त किए, तो फिर मैं मंथ के हिसाब से जो ये वाला कंसेप्ट है वो लगाती। तो ये पहली चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है और ये पहली स्टेप आपको कर लेनी है। तो स्टूडेंट ये जो है आप जरूर नोट कर लीजिए इसको, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में ये फॉलो करना है। ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट कि हमें क्रय तिथि को देखते हुए लाभ और संचय को बिफोर और आफ्टर, पूर्व और पश्चात का जो है बांटना कंपलसरी है। वो इसलिए है क्योंकि पूर्व का लाभ जो है हमारी ख्याति या पूंजी संचय की गणना में आएगा और बाद का जो लाभ और संचय है वो संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय की जो हम गणना करते हैं उसमें आता है। क्लियर, ये हो गया हमारा पहला कंसेप्ट। अब हम देखेंगे हमारा दूसरा कंसेप्ट जो हमें हर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ये आप लोगों ने आई थिंक नोट कर लिया होगा। अब हम दूसरा कंसेप्ट देखते हैं जो कि है आपको ये देखना है कि सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को कितना प्रतिशत कैप्चर किया। सेकंड कंसेप्ट, कितने प्रतिशत क्रय किया। अब वो कैसे पता लगेगा, सहायक कंपनी को ही देखना। सहायक कंपनी की अंश पूंजी देख लीजिए आप कितनी है, सहायक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी जो है उसकी सहायक जो है हमारी एस लिमिटेड है उसकी अंश पूंजी कितनी दी हुई है, 60,000 रुपए। और यहां देखिए ब्रैकेट में लिखा है एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, तो अंश में यदि मैं निकालू तो कितना आ जाएगा, 60,000 / 10, तो 6,000 अंश जो है वह सहायक कंपनी की अंश पूंजी है। ठीक है, अब आप आइए सूत्रधारी कंपनी की संपत्तियों में, हमेशा आपको इसी तरीके से देखना रहेगा। तो सूत्रधारी कंपनी की संपत्तियों में देखो आपको लिखा हुआ है अंशों में विनियोग एस लिमिटेड में 6,000 अंश, मतलब सूत्रधारी कंपनी ने विनियोग किया है एस लिमिटेड में कितने अंश खरीदे हैं, 6,000 अंश खरीदे। कितने अंश खरीदे, 6,000 अंश खरीदे, और थे कितने, 6,000। क्या अर्थ निकल रहा है, कितने प्रतिशत क्रय कर लिया, 100% क्रय कर लिया, सिंपली पूरा की पूरा उसने सहायक कंपनी को होल्ड कर लिया, कैप्चर कर लिया है। ठीक है, इसको मैं चेंज करके आपको बताती हूँ, कंसेप्ट समझना है। यदि यहाँ पे लिखा रहता 5,000 अंश, अभी तो हमारे इसका आंसर आ गया 100%, मान लीजिए इसमें 5,000 अंश लिखा रहता तो हमारी स्थिति क्या होती। ठीक है, तो कितने अंश थे उसके, 6,000 अंश थे एस लिमिटेड के, उसमें से होल्डिंग कंपनी ने कितने अंश खरीदे थे, 5,000 अंश। इसीलिए 100% का जो 100 होता है उसमें कितने परसेंट आएगा, तो 100 × खरीदे गए अंश / कुल अंश पूंजी। ठीक है, इनकेस जब यहां 5,000 अंश दिया रहता। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमें सेकेंड स्टेप करनी है, कितने प्रतिशत अंश खरीदे। तो यहां हमने निकाल कर देख लिया, अभी तो फिलहाल हमें 6,000 अंश ही दिया हुआ है तो हमारा कितना आंसर आ रहा है, 100%। ये दो चीजें हमेशा क्लियर करना। अब जो है हमने जो हमारी थ्योरी समझी है अब हम उसको करेंगे। ठीक है, तो थ्योरी के हिसाब से हमारी पहली कैलकुलेशन कौन सी होती है, वो होती है ख्याति या पूंजी संचय की गणना, पहली कैलकुलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। तो ख्याति या ऑब्लिक लगाते हैं हम, दोनों में से कुछ भी आंसर आ सकता है, फॉर्मेट बिल्कुल फिक्स है इसका, ख्याति या पूंजी संचय की गणना। इसमें क्या क्या लेना है, आप चाहो तो पहले इसमें लिख दीजिए और अमाउंट, हर क्वेश्चन में सेम फॉर्मेट अमाउंट आप डाल दीजिए, अंशों का क्रय मूल्य, इसमें से हम घटाते हैं सहायक कंपनी की अंश पूंजी, इसको हम थोड़ा सा यहां लिखें, और यहां लेते हैं हम सहायक कंपनी का लाभ, सहायक कंपनी का संचय, ये दोनों हमें कौन सा लेना है, पूर्व का,
और इसके अलावा बोनस अंश यदि होते तो हमने एकदम सिंपल क्वेश्चन लिया है, अभी वो कंसेप्ट नहीं है। और यदि पुनर्मूल्यांकन की स्थिति दी रहती तो हम बोले थे, अभी वो भी नहीं है, सिंपल है। अब इसमें अमाउंट कैसे डालनी है तो ध्यान देना स्टूडेंट, अंशों का क्रय मूल्य आपको यहाँ मिलेगा। सूत्रधारी कंपनी के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में आपको विनियोग के नाम से हमेशा मिलेगा। तो कितना दिया हुआ है, 75,000 रुपए, ठीक है। फिर सहायक कंपनी की अंश पूंजी, ये सहायक कंपनी की बैलेंस शीट में हमें शेयर कैपिटल दी है 60,000 रुपए, वो ले लेंगे। सहायक कंपनी का लाभ ले लेंगे हम पूर्व वाला, तो ये हम पहले ही बांट चुके हैं और इसीलिए ही बांटा था हमें कि यहाँ जब ये कैलकुलेशन हम करते हैं तो इसमें हमें पूर्व वाला लेना रहता है, पश्चात वाला नहीं। तो पूर्व का ही है 15,000 रुपए और संचय भी पूर्व का ही है। ये चीज यदि हम बांट कर रख लेंगे तो हमारा ये बाकी की चीजें बहुत सिंपल हो जाएंगी, ठीक है। ये 90,000 रुपए, इसको जो है हम यहाँ घटा लेंगे। अब देखिए, वैसे थ्योरी में मैंने समझाया, आप न्यूमेरिकल में समझ लें, 75,000 में से हमें 90,000 रुपए घटाना है, माइनस में आंसर आ रहा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटानी है तो हमारा आंसर आएगा 15,000 रुपए। और जब आंसर माइनस में आ रहा है तो हमें माइनस का साइन नहीं लगाना है, ये हमारा आंसर क्या कहलाएगा, पूंजी संचय। और लॉजिकली भी मैं आपको बताती हूँ कि सूत्रधारी कंपनी ने जब सहायक कंपनी को होल्ड किया, कैप्चर किया, तो उसने कितने रुपए चुकाए, 75,000 रुपए। और जब उसकी लागत निकाल कर देखी तो 90,000 रुपए आ रही है, तो यहां पर लॉस हो रहा है। तो चूंकि ये जो है माइनस में हो रहा है, मतलब 75,000 रुपए चुकाए सहायक कंपनी को, और जबकि उसकी लागत उसने निकाल के देखी तो 90,000 रुपए आ रही है, तो 15,000 रुपए का लॉस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो ये जो है पूंजी संचय हुआ। ये हो गई पहली कैलकुलेशन, हमेशा ये कैलकुलेशन आपको करनी है। सेकेंड कैलकुलेशन होती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अल्पपक्ष हित। ये होगी क्या इस क्वेश्चन में, देखिए जब भी प्रतिशत 100% शेयर्स खरीद लिए गए हों तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी, क्लियर। अल्पपक्ष हित यहाँ बचा ही नहीं है, सूत्रधारी कंपनी ने सहायक कंपनी को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया है, ठीक है। अब हम थर्ड कैलकुलेशन हमारी करेंगे, संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय की एक साथ, ठीक है। ये चाहो तो आप नोट कर लो। अब हम करेंगे संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय की गणना, वो कैसे करेंगे वो समझ लें हम। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, संयुक्त लाभ व संचय। तो ये जो है हमारा लाभ का कॉलम हो जाएगा और ये हमारा संचय का कॉलम, क्योंकि दोनों में एक जैसी ही चीजें आती हैं। सबसे पहले हमें सूत्रधारी कंपनी को लेना है, सूत्रधारी कंपनी का लाभ कितना दिया है, 20,000 रुपए। इसमें ऐड करना है सहायक कंपनी का लाभ, कौन सा वाला, पश्चात वाला, ये ध्यान रखना, और उसका भी प्रतिशत निकालना हमेशा। तो ये सहायक कंपनी का पश्चात का लाभ हमने देखा था निल है और प्रतिशत है ही नहीं यहाँ पे, 100% है, तो ये कितना आ गया, 20,000 रुपए संयुक्त लाभ आ गया। ऐसे ही सेम संचय, सूत्रधारी एच लिमिटेड का संचय कितना है, 30,000 रुपए। सहायक कंपनी का बाद का संचय लेना है, ये ध्यान रखना, तो संचय है ही नहीं, तो ये कितना हो गया, 30,000 रुपए। ये हो गई हमारी कैलकुलेशन। इस तरीके से स्टूडेंट हर क्वेश्चन में आपको ये चारों कैलकुलेशन करनी है। अब जो लास्ट आंसर हमारा जो बनाना है, हमको जो मेन है वो है संयुक्त चिट्ठा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, उसमें क्या क्या आएगा वो हम देख लें। ये चीज क्लियर आपकी, हर क्वेश्चन में ये कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है। अब हम बनाएंगे संयुक्त चिट्ठा, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये जो आंसर्स हमने निकाले हैं इनको लेते हुए, तो वो कैसे बनेगी, फॉर्मेट उसका जो रहेगा, संयुक्त चिट्ठा जैसा हमें क्वेश्चन में दिया है, अमाउंट का कॉलम एक ही रहेगा, ये रहेगा हमारा पर्टिकुलर विवरण का कॉलम और ये कॉलम रहेगा राशि का। जैसा क्वेश्चन में फॉर्मेट है सेम वैसा ही फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। पहला हमारा समता व दायित्व, इसमें जो है हमें लेना है
अंशधारी व कोष, पहली हेडिंग, इसमें आ जाएगी अंश पूंजी। तो कैसे क्या लेना है वो ध्यान रखना। अंश पूंजी केवल हमें लेनी है किसकी, सूत्रधारी की। सहायक कंपनी की अंश पूंजी हम कैलकुलेशन में ले चुके हैं, तो अंश पूंजी केवल हमें होल्डिंग कंपनी की लेनी है 1,20,000, ये ध्यान रखना स्टूडेंट। फिर इसमें सेकंड आएगा हमारा संचय व आधिक्य, संचय व आधिक्य। तो इसमें जो है हमें कंसोलिडेटेड जो संयुक्त लाभ और संचय हमने निकाला है, ये दोनों ही नहीं लेना है, संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड। तो हमने निकाला था हमारा आंसर 30,000 और 20,000, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग हमारी बनेगी चल दायित्व, करंट लाइबिलिटीज। चल दायित्व में जो है देय बिल, तो देय बिल हमें सिंपली दोनों को ऐड करके ले लेना है, एच लिमिटेड और एस लिमिटेड। एच लिमिटेड के हैं 1,05,000 और 30,000, 1,35,000, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट। इसके साथ ही इसमें जो है हमारा क्या निकला था, पूंजी संचय। हमारे जो है आंसर कौन कौन से आए थे, पहला निकला था पूंजी संचय 15,000 रुपए, ठीक है, और संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय हम ले चुके हैं। तो ध्यान देना यदि ख्याति भी आंसर आ सकता है, अभी फिलहाल हमारा पूंजी संचय आया है, तो पूंजी संचय जो है वह संचय व आधिक्य वाली हेडिंग में जो है हम लिखेंगे। पूंजी संचय कितना, 15,000 रुपए। और यदि ख्याति आता, जिसका आंसर दोनों आ सकते हैं, ख्याति आता तो हम संपत्ति वाली जो हेडिंग बनाएंगे उसमें जाएगा। और यदि अल्पपक्ष हित होता, अभी तो नहीं है हमारा, यदि माइनॉरिटी इंटरेस्ट होता तो वो भी इस हेडिंग में हम इंक्लूड करते, ठीक है। तो ये जो है हमारा टोटल लगा लेंगे, देन फिर हम बनाएंगे सेकेंड पार्ट संपत्तियां। तो संपत्तियों में विविध संपत्तियां, सन्ड्री एसेट्स, ये भी दोनों ऐड करके लेनी है हमें। तो 2,00,000 एच लिमिटेड की है और एस लिमिटेड की 1,20,000, तो ये कितनी हो जाएगी, 3,20,000। और फिर हमें टोटल लेना है, तो इसका टोटल तो 3,20,000 आ रहा है, बैलेंस शीट का टोटल हमेशा इक्वल होता है, इसको चेक कर ले, तो ये हो गया 135,50, यस ये हो गया हमारा 3,20,000, 3,20,000। तो स्टूडेंट इस सिस्टमेटिक वे में जब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे होल्डिंग और सब्सिडियरी में, तो आपका आंसर जो है वो कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा। मेजर इसमें जो है हमें ध्यान रखना है डेट का, बिफोर और आफ्टर, पूर्व और पश्चात का लाभ और संचय बहुत इजीली बढ़ जाए, और कितने प्रतिशत अंश खरीदे, उसके बाद की चीजें जो है फॉर्मेट वाइज जो है वह फिक्स है। तो ये है पूरा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़े से कंसेप्ट हमने दूसरे लिए हैं। आर लिमिटेड तथा उसकी सहायक एस लिमिटेड के चिट्ठे नीचे दिए हैं, ये आर लिमिटेड है और ये एस लिमिटेड है। एस लिमिटेड का अब कौन जो है, क्या लिखा है, आर लिमिटेड तथा उसकी सहायक एस लिमिटेड, मतलब अपने को क्लियर यहां पे दे दिया है कि आर लिमिटेड जो है वो सूत्रधारी कंपनी है और एस लिमिटेड जो है वो सहायक, क्योंकि उसने क्लियर लिख दिया उसकी सहायक एस लिमिटेड, पहली चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर हम देख लें क्रय की तिथि, तो वो क्रय की तिथि हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दी है। एस लिमिटेड का लाभानि विवरण आर लिमिटेड द्वारा अंश खरीदे गए जाने की तिथि को 2,000 रुपए हानि दिखाता था। अब स्टूडेंट समझिए एक नया कंसेप्ट, देखिए हमें क्या ढूंढना रहता था, क्रय तिथि, और क्रय तिथि जो है यहाँ पर नहीं दी हुई है, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दिया कि उसने कब खरीदा। तो अब हम ये जो लाभ और संचय है जो हमें बांटना होता है, लाभ और संचय क्या बांटना होता है हमें, पहले का कितना है, खरीदने के पहले का कितना है और बाद का कितना है। अब क्रय तिथि नहीं दी है तो हम कैसे बांटेंगे, तो ये दूसरा तरीका है देने का, कि यहां पर उन्होंने ये बता दिया कि जिस तारीख को अंश खरीदे, ध्यान देना अंश खरीदे जाने की तिथि को
एस लिमिटेड का विवरण कितना बताता था, 2000 रुपए हानि। मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ये बता डेट नहीं दी है पर हमें यह बता दिया है कि जिस तारीख को आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड के अंश खरीदे उस तिथि पर एस लिमिटेड की बैलेंस शीट क्या बोलती थी लाभ के बारे में, क्या बताती थी वो, 2000 रुपए की हानि। मतलब 2000 रुपए हानि जो है वह क्रय तिथि के पूर्व की थी। अब टोटल कितना है उसका, 10000 रुपए की हानि। तो देखिए हमें इस लाभ और लाभ संचय और लाभ को ही जो है पूर्व और पश्चात में बांटना होता है। पहली चीज, संचय तो हमें दिया हुआ नहीं है, संचय में हम टेंशन फ्री हो गए, सहायक कंपनी का इसको पूर्व पश्चात बांटने की जरूरत नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम लाभ की, तो लाभ में उन्होंने हमें क्रय तिथि के पूर्व, क्रय जिस तारीख को खरीदे उस तारीख का इतना है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, बाद का। तो 10000 रुपए की टोटल हानि दिखा रहा है वो, उसमें से 2000 रुपए पिछले साल की मतलब क्रय तिथि तक की थी, तो इसका क्या आशय हुआ कि 8000 रुपए की हानि जो है वह बाद की हो गई, क्रय तिथि के बाद की। क्योंकि टोटल जो बैलेंस शीट दिखाता है वो वर्ष के अंत की स्थिति दिखाता है कि साल भर की स्थिति ये है। अब क्रय तिथि तक की अपने को बता दी कि 2000 रुपए हानि थी, तो अंडरस्टूड है आपको क्या करना है, जो भी आपको क्रय तिथि तक का बैलेंस दिया रहेगा उसको जो है आप टोटल में से घटा देंगे तो वह पश्चात का निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर ये चीज। यदि यहाँ पे ऐसा भी लिखा रहता कि 2000 रुपए लाभ है और ये 10000 रुपए हानि ना देके लाभ देता, तो 2000 रुपए हम पूर्व का लाभ ले लेते और पश्चात का लाभ 8000 रुपए रहता, सेम कंडीशन होती। ये कंसेप्ट क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, क्रय का प्रतिशत, कितने प्रतिशत अंश खरीदे, क्या करना है इसके लिए, हमें सहायक कंपनी को देखना है। सहायक कंपनी की अंश पूंजी ले लीजिए, तो सहायक कंपनी मतलब एस लिमिटेड, उसकी अंश पूंजी कितनी है, 40000 रुपए, और एक अंश कितने का है, 10 रुपए का, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, 4000। ठीक है ना। अब कितने अंश खरीदे कहां देखना है, स्टूडेंट प्लीज इस क्वेश्चन को समझने से पहले इसके पहले वाला क्वेश्चन जरूर समझ लीजिए, उसमें डिटेल में मैंने हर चीज समझाई है कंसेप्ट वाइज। तो 40000 की अंश पूंजी थी, उसमें से हमें सूत्रधारी कंपनी की बैलेंस शीट में मिलेंगे कितने अंश खरीदे, 3000 अंश। कितने अंश खरीदे, 3000 अंश। अब हम इसका प्रतिशत निकाल लें कि 4000 की अंश पूंजी में से सूत्रधारी कंपनी ने 3000 अंश खरीदे, इसीलिए 100 में से कितने, और हम प्रतिशत जिस हिसाब से निकालते हैं, खरीदे गए अंश बटे टोटल अंश पूंजी, तो ये आ रहा है 75%। तो क्रय का प्रतिशत यहाँ पे कितना आया, 75%। मतलब इसमें अल्पपक्ष हित की गणना होगी, अल्पपक्ष हित कितना आएगा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25%। ठीक है ना, तो इसमें हमारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी होगी। ये कंसेप्ट क्लियर। ये लाभ का देने का जो तरीका है, हानि दी है पहली चीज, और दूसरा डेट ना देखे उन्होंने, हमने जिस तारीख को खरीदे 1000 रुपए था और कुल दे दिया, तो हमने टोटल में से खरीदने की तिथि तक का प्रॉफिट या लाभ जो लॉस जो भी है उसे घटा दिया, बचा हुआ जो है वो बाद का हो गया। अब हम हमारी कैलकुलेशन करेंगे। कौन कौन सी कैलकुलेशन होती है हमारी, पहली कैलकुलेशन होती है हमारी ख्याति या पूंजी संचय की गणना, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। पहली कैलकुलेशन ख्याति या पूंजी संचय, ठीक है ना, पहली कैलकुलेशन। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें अंशों का क्रय मूल्य, कहां मिलेगा ये हमें सूत्रधारी कंपनी की बैलेंस शीट में मिलेगा, कितने में खरीदे, 25000 रुपए में। इसमें से माइनस करना होता है हमें सहायक कंपनी की अंश पूंजी, लाभ या हानि जो भी है, और संचय, और कोई एडजस्टमेंट है नहीं। अंश पूंजी हमें दी हुई है 40000 रुपए, लाभ कौन सा वाला लेना है, ये दोनों पूर्व के, है ना, तो कितना था, -2000, और संचय तो है ही नहीं सहायक कंपनी का, है ना, तो ये कितना आ गया,
38,000 रुपए, 38,000 का हम निकालेंगे 75%। ये ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये जो क्रय मूल्य है 25,000 रुपए, ये कितने अंशों का दिया हुआ है? 3,000 अंश का। तो आपको ये बेसिक नियम पता है कि हम कभी भी लाभ या हानि की गणना करते हैं तो जितने को जितना सामान हमने बेचा है उतने की ही लागत लेते हैं, हम पूरे की लागत नहीं घटाते हैं, ठीक है ना। तो ये हम इसका 75% निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 28,500 रुपए, ठीक है। अब यहाँ देखिए 25,000 में से घटाना है 28,500 रुपए, क्या अर्थ हुआ स्टूडेंट? ये क्या आएगा? पूंजी संचय। यदि ये 30,000 होता और उसमें से 28,500 घटाते हम, तो घटाते तो सही लेकिन यहाँ आंसर क्या लिखते? ख्याति, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा 3,500 रुपए पूंजी संचय आ गया। क्लियर ये चीज। अब सेकेंड नंबर पे हमारी कैलकुलेशन होगी अल्प पक्ष हित की, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, कितना परसेंट? 25% से, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है? जो हमारी सहायक कंपनी है एस लिमिटेड, उसकी अंश पूंजी, लाभ और संचय। और इसमें कौन सा आता है? कुल। इसको पूर्व और पश्चात से मतलब नहीं है, कुल लेते हैं। तो अंश पूंजी कितनी दी है? 40,000 रुपए। लाभ कितना दिया है? 10,000, माइनस में संचय है नहीं, तो ये हो जाएगा 30,000। 30,000 का 25% 7,500 रुपए। ये हमारी सेकंड कैलकुलेशन आ गई, ठीक है। अब थर्ड कैलकुलेशन हमारी होती है कौन सी? संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय की, ठीक है। तो उसको देख ले हम एक ही कॉलम में, ये है लाभ और ये है संचय। सबसे पहले संयुक्त निकाल रहे हैं, ज्वाइंट निकाल रहे हैं, तो हमें सूत्रधारी कंपनी का भी लेना है। तो आर लिमिटेड है हमारी, आर लिमिटेड का जो है लाभ कितना दिया है? 25,000 रुपए, ठीक है ना। और आर लिमिटेड का संचय कितना दिया हुआ है? 60,000 रुपए। अब हमें सहायक कंपनी का लेना है, एस लिमिटेड का, कौन सा वाला लेना है? पश्चात का, और उसका भी प्रतिशत, ये ध्यान रखना। ये जो है हम इधर ऊपर कर लेते हैं, जो लाभ हमें लेना है वह पश्चात का लेना है और उसका भी प्रतिशत। एस लिमिटेड का हमें कौन सा लेना है? पश्चात का प्रतिशत। तो पश्चात का कितना था? 8,000 रुपए था, और प्रतिशत कितना है? 75%, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 6,000। और संचय तो है ही नहीं सहायक कंपनी का, तो संयुक्त लाभ जो है हमारा कितना आ जाएगा? 25 में से 6 चले जाएंगे, 19,000 रुपए, और संचय हो जाएगा 60,000 रुपए। तो ये है हमारी कैलकुलेशन। कौन कौन सी कैलकुलेशन है हमारी? पहला हमारा पूंजी संचय आया, हम यहाँ नोट करके रख लें क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी है। पूंजी संचय कितना आया हमारा? 3,500 रुपए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट अल्प पक्ष हित हमारा आया है 7,500 रुपए, और संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय 19,000 और 60,000 आया है, ठीक है। ये कैलकुलेशन क्लियर। अब जो है हमारा लास्ट वर्क रहेगा बैलेंस शीट बनाना, ठीक है। तो वो हम बना लेते हैं। बैलेंस शीट जो है हमारी इसी फॉर्मेट में बनेगी जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो संयुक्त चिट्ठा ऊपर हम हेडिंग डालेंगे, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है ना। हेडिंग्स हमारी वही रहेंगी, समता व दायित्व, सिस्टमेटिक वे में जो है क्वेश्चन को लिखेंगे, तो नंबर जो है आपके पूरे रहेंगे। अंशधारी कोष, देन इसमें हम लेंगे अंश पूंजी। शेयर कैपिटल आपको किसकी लेनी है? केवल होल्डिंग कंपनी की, क्योंकि ये तो हम कैलकुलेशन में ले चुके हैं, तो सब्सिडरी की अंश पूंजी नहीं आती है। फिर हम बनाएंगे संचय व आधिक्य। संचय व आधिक्य में जो है हमारे पास संयुक्त संचय,
संयुक्त लाभ, और मैं अभी लिख रही हूं लेकिन इस कंसेप्ट को समझाती हूँ कि यहाँ पूंजी संचय वैसे नहीं आएगा, पर मैं लिख रही हूँ अभी। संयुक्त संचय जो है हमारा 60,000 है, संयुक्त लाभ हमारा 19,000 आया, पूंजी संचय को जो है अभी हम समझ रहे हैं डिटेल में कि यहाँ राशि नहीं आएगी। और इसके अलावा अल्पपक्ष हित, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये आ जाएगा हमारा 7,500 रुपए, ठीक है। देन फिर हम ले लेंगे देय बिल, सॉरी हेडिंग आएगी पहले हमारी चल दायित्व की, इसमें हम ले लेंगे देय बिल, देय बिल दोनों को ऐड करके ले लेंगे 65,000 रुपए। ये हो गई हमारी लाइबिलिटी साइड। देन फिर हम लेंगे संपत्तियां, तो संपत्तियों में अब यहां पर आप समझ लीजिए ख्याति। देखिए बिजनेस में आप ये चीज ध्यान रखिए, बैलेंस शीट जब बना रहे हैं तो ये गलती कभी ना हो कि इधर जो है ख्याति हमको कितनी दी है 20,000 रुपए और हमारा पूंजी संचय कितना है 3,500 रुपए। तो ये ऐसा ना हो जाए कि जैसे मैं यहाँ पूंजी संचय की 3,500 लिख दूं और ख्याति की जो है वो 20,000 रुपए लिख दूं। नहीं स्टूडेंट, या तो बैलेंस शीट में ख्याति आएगी या पूंजी संचय आएगा, तो दोनों में से जो कम होता है उसे जो है हटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है इट मीन्स उसका समायोजन कर लिया जाता है। तो यदि हम यहां तुलना करें तो पूंजी संचय हमारा कितना है 3,500 रुपए और ख्याति कितनी है 20,000 रुपए। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो ख्याति है हमारी 20,000 रुपए उसमें से 3,500 रुपए घटाकर हम लिखेंगे 16,500। ये चीज समझ में आई, ख्याति ज्यादा हो और पूंजी संचय कम हो तो आपको वहीं की वहीं ख्याति में से घटा देना है, लेकिन ऐसा अपोजिट होता मतलब पूंजी संचय ज्यादा होता और ख्याति कम होती स्टूडेंट्स, तो फिर हम ऐसा नहीं करते कि यहाँ पूंजी संचय में से ख्याति घटा देते। ख्याति जो है वह डायरेक्ट माइनस नहीं होती, ख्याति को आपको अपलेखन करना रहता, जो कि 75% से होता ख्याति और पूंजी संचय की गणना में जो पहली कैलकुलेशन हम करते हैं, और 25% जो है हमारा जाता किसमें, अल्पपक्ष हित में। तो ख्याति जब कम होगी तो क्या ध्यान रखना है आपको कि उसका एडजस्टमेंट जो है कैलकुलेशन गणना के समय करना है, और यदि पूंजी संचय कम होता है तो इसके जो घटाना है इसको वो चिट्ठा बनाते समय। ये कंसेप्ट क्लियर, ये नया कंसेप्ट हो गया, ख्याति हो गई। फिर हम लिखेंगे विविध संपत्तियां, तो इन दोनों को ऐड करके ले लेंगे, आर लिमिटेड की 1,80,000 और 55,000, तो ये हो गई 2,35,000। टोटल कर लेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा 500, सिक्स जस्ट मिनट, एक जीरो ज्यादा लग गई है, 2,35,000 है, 2,35,000 में जो है हम 500, 2,51,500 इधर का भी टोटल हम चेक कर लें तो ये हो जाएगा आपका 1,60,000, 2,25,000, 2,25,000 प्लस 10, 2,35,000, 2,45,000 और ये आ गया आपका 2,51,500, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल। तो कैलकुलेशन वही करी है हमने, लेकिन इसमें हमने 2-3 नए कंसेप्ट समझे हैं। एक तो डेट नहीं दी है तो किस तरीके से पूर्व और पश्चात में बांटना है, फिर ये अंतर था यहाँ तो हमने अल्पपक्ष हित की गणना सीखी। इसके साथ ही यदि ख्याति और पूंजी संचय का कंसेप्ट है तो हमें किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है वो कंसेप्ट हमने यहाँ पे सीखा। स्टूडेंट्स अब हम एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हम और नए कंसेप्ट को समझने वाले हैं, लेकिन हमारा वे जो है सॉल्व करने का वही रहेगा, वही स्टेप्स हमें फॉलो करनी है कि सबसे पहले हमें क्रय तिथि देखनी है, फिर प्रतिशत, और उसके बाद जो एडजस्टमेंट आ रहे हैं उनको हम कैसे कोप अप करेंगे हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लें।
कि एच लिमिटेड और एस लिमिटेड का 31 मार्च 2014 को निम्नलिखित चिट्ठा था। ये जो है हमारी सूत्रधारी कंपनी है और ये है सहायक कंपनी। ये हमने कैसे देखा, तो ये चिट्ठा दिया हुआ है, ये चिट्ठे की डेट दी हुई है हमें 31 मार्च 2014 और यहाँ नीचे ये पूरी बैलेंस शीट दी हुई है, यहाँ पे ये समायोजन दिए हैं। 1 अक्टूबर 2013 को एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड के अंश प्राप्त किए। एच लिमिटेड ने अंश प्राप्त किए हैं इसीलिए एच लिमिटेड को सूत्रधारी लिखा है और एस लिमिटेड को सहायक कंपनी। अब यहाँ क्रय तिथि भी दी हुई है तो हम वो लिख लें। क्रय तिथि जो है वो क्या है, 1 अक्टूबर 2013 और चिट्ठा कितनी तारीख का है, 31 मार्च 2014। चिट्ठे की तिथि जो है 31 मार्च 2014। तो स्टूडेंट्स देखिए चिट्ठा जो है इसमें बनाया गया, मतलब उसका सेशन क्या रहा होगा, 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014 के बीच की स्थिति जो है इस चिट्ठे में है। ईयर पूरा एक साल का होता है ना, तो 31 मार्च 2014 लिखा है तो ये कब से शुरू हुआ होगा, मार्च है तो उधर 1 अप्रैल से। और जो खरीदने की तिथि है वो क्या है, 1 अक्टूबर 2013। मतलब अप्रैल से अक्टूबर तक के जो महीने हैं वह पूर्व के होंगे और अक्टूबर से मार्च तक के महीने जो है वह पश्चात के होंगे। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तो एक है तो 6 मंथ जो है वह पूर्व कहलाएगा और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च ये जो है हमारे 6 मंथ क्या कहलाएंगे, पश्चात के। क्योंकि इसमें तीसरा वाला कंसेप्ट जो है, जो हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे उसमें तीसरा कंसेप्ट था कि जब जो कैप्चर किया जाए सूत्रधारी कंपनी द्वारा सहायक कंपनी को खरीदा जाए वो वर्ष के मध्य की हो, तो यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट हमने लिया है। चिट्ठे की तिथि 31 मार्च थी, हमने पहले उसका सेशन निकाला कि वह कब से शुरू हुआ होगा और उससे हमने पूर्व और पश्चात के मंथ निकाल लिए। अब लाभ और संचय, ठीक है, तो लाभ देखिए यहाँ पर। अब लाभ की स्थिति, सहायक कंपनी को देखना है केवल हमें, तो यहाँ लाभ में देखिए आपको 2 लाभ दिए हैं। 1 अप्रैल 2013 को बाकी दिया है 20,000 रुपए और 13-14 के लाभ भी दिए हैं। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना इसमें कि ये पूर्व और पश्चात के जो हमने 6 मंथ निकाले हैं, तो 1 अप्रैल 2013 को जो बाकी थी, मतलब ये कौन सा शेष हुआ, ओपनिंग बैलेंस हुआ, ये प्रारंभिक शेष, ठीक है, ये पिछले साल का प्रारंभिक शेष का मतलब है कि ये पिछले साल का है और ये उसने वर्ष भर में कमाया। तो जो पिछले साल का शेष है, प्रारंभिक शेष है, वो पूरा पूर्व का ही होगा 20,000 रुपए और ये जो उसने साल भर में कमाया है 25,000 रुपए, इसको हम बांटेंगे किसमें, हाफ ऑफ 6 मंथ के हिसाब से। संचय को भी हटा देते हैं, 25,000 का 6/12। फिर से समझ लो, इस क्वेश्चन को हमने लिया है, इसमें 2 लाभ दिए हैं, एक के सामने लिखा है 1 अप्रैल 2013 और एक के सामने लिखा है 13-14। तो जो 1 अप्रैल 2013 का जो है वह प्रारंभिक शेष है, प्रारंभिक शेष हमेशा पूर्व का रहेगा, पूरा के पूरा पूर्व में लिख दिया। और जो साल भर में कमाया है 13-14 में जो उसने कमाया है उसे हम बांटेंगे इस मंथ के हिसाब से। तो 25,000 का 6/12 मतलब 12,500 आएगा, तो 32,500 ये पूर्व का लाभ हुआ। और पश्चात का लाभ क्या होगा, 25,000 का 6/12 12,500। ये क्लियर, ये नया कंसेप्ट समझा हमने जब 2 लाभ दिए हों। संचय, संचय में भी हम यही नियम लगाते हैं, संचय हमको एक ही दिया हुआ है 10,000 रुपए, उसको 6/12 करते, लेकिन यहाँ समायोजन में उन्होंने क्लियर दे दिया है कि संचय पूर्व का है, क्लियर ले दे दिया है उन्होंने, क्वेश्चन में दे दिया है कि संचय जो 10,000 रुपए है पूरा पूर्व का है, पश्चात का निल है।
ये समझ में आया आपको? ये पहला कंसेप्ट हमने नए तरीके का क्वेश्चन लिया, ये क्लियर किस तरीके से बांटा गया हमने। अब सेकेंड स्टेप हमारी क्या है, प्रतिशत निकालना। तो आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, ठीक है। अब जो है हम प्रतिशत निकालेंगे, तो ये हम मिटा देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो हमें मिटा के ये करना रहेगा। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, हमारा पूर्व का लाभ आया था 32,500, पश्चात का लाभ आया था 12,500 और संचय पूर्व का था 10,000, पश्चात का नहीं है, ये हमने करा अभी। अब हम क्रय प्रतिशत निकाल लें। देखिए क्रय प्रतिशत कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एस लिमिटेड की हम अंश पूंजी देख लें। तो अंश पूंजी कितनी दी हुई है, 50,000, और एक अंश कितने का दिया है यहाँ पे, 100 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लें, 500 अंश है। और कितने अंश खरीदे सूत्रधारी कंपनी ने, ये हमको मिलेगा सूत्रधारी कंपनी के चिट्ठे में। तो देखिए यहां दिया हुआ है एस लिमिटेड में 300 अंश खरीदे, तो कितने अंश खरीदे, 300 अंश, ठीक है ना। 500 थे उसमें से 300 खरीदे, तो इक्वेशन बना लेंगे 500 में से 300, इसीलिए 100 में से कितने, तो 100 × 300/500, तो ये आ रहा है 60%। मतलब दूसरी हमारी चीज आ गई कि उसने कितने प्रतिशत अंश खरीदे, 60% अंश जो है वो खरीद लिए हैं। तो ख्याति और पूंजी संचय की गणना में और संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय की गणना में हम 60% से लेंगे, और अल्पपक्ष हित जो हम निकालेंगे वह 40% से निकलेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब जो है हम निकालेंगे ख्याति या पूंजी संचय की गणना, उसका फॉर्मेट हमें जो है ध्यान रखना है हमेशा, उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ख्याति या पूंजी संचय की गणना, ठीक है, तो वो ले लेंगे हम पहले। इसमें क्या लेते हैं, सबसे पहले अंशों का क्रय मूल्य, कितने में अंश खरीदे उसमें से हम घटाएंगे सहायक कंपनी की अंश पूंजी और लाभ और संचय। लाभ और संचय में कौन सा वाला लेना है, पूर्व का लेना है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य कितना दिया है, ये देखिए 65,000 रुपए हमेशा हमें यहां मिलेगा, और सहायक कंपनी की अंश पूंजी है 50,000 रुपए, और पूर्व का लाभ हमने निकाला था 32,500, और संचय पूर्व का था 10,000 रुपए, ठीक है। ये हम निकाल लेंगे, टोटल लगा लेंगे 92,500, और इसका हमें लेना है 60%, ठीक है, 60% हमें लेना है। तो ये निकाल लें हम, ये आ रहा है 55,500। अब इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, अब देखिए ये है 65,000 और ये आ रहा है 55,500, तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी ही है, तो आंसर क्या आएगा हमारा, ख्याति, है ना। तो 005 ये हो जाएगा 9,500 रुपए जो है हमारी ख्याति, पहली कैलकुलेशन जो है वह आ गई, क्लियर ये चीज। अब जो है सेकंड कैलकुलेशन होगी हमारी कौन सी, अल्प पक्ष हित की, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ये चीज क्लियर सिंपल। अब सेकंड कैलकुलेशन हम समझते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट अल्प पक्ष हित, तो उसकी गणना के लिए, और वो कितने परसेंट से होगी, अल्प पक्ष हित 40% से होगी, 60% खरीद लिए हैं तो बचे हुए जो 40% है उससे माइनॉरिटी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी। क्या लेते हैं इसमें, सहायक कंपनी की अंश पूंजी, लाभ और संचय। यहां पे लाभ और संचय कुल आता है, टोटल आता है, इसको कोई मतलब नहीं है पूर्व और पश्चात से। तो अंश पूंजी है हमारी 50,000 रुपए, लाभ हम दोनों ले लेंगे
45,000 रुपए और संचय हम ले लेंगे 10,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 1,05,000। इसका हम ध्यान रखना 40% जरूर निकालें, ठीक है। तो 40% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 42,000 रुपए जो है हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमारी नेक्स्ट कैलकुलेशन हम करेंगे कौन सी, संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय की, ठीक है। इसको मिटा दें तो संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय की कैलकुलेशन हम एक साथ कर लेते हैं, संयुक्त लाभ और संचय। ये जो है लाभ हो जाएगा और ये संचय। सबसे पहले इसमें लेते हैं हम सूत्रधारी कंपनी का प्रॉफिट, तो सूत्रधारी कंपनी के दोनों प्रॉफिट हम ले लेंगे 90,000 रुपए और सहायक कंपनी का ध्यान रखना है पश्चात वाला प्रॉफिट लेना है और उसका प्रतिशत निकालना है, ये चीज ना भूले हम। तो इसका कितना था पश्चात का, 12,500 रुपए और कितने प्रतिशत अंश खरीदे उसने, 60%। सेम ऐसी संचय में, तो संचय में जो है 30,000 रुपए है सूत्रधारी कंपनी का, सहायक कंपनी का पश्चात का संचय नहीं है। अब इसको निकाल लें हम, सात हजार पांच सौ, तो ये हो जाएगा हमारा 97,500 संयुक्त लाभ और ये 30,000 रुपए संयुक्त संचय। तो पश्चात वाला लेना है और उसका प्रतिशत निकालना है, संचय जो है पश्चात का था ही नहीं तो हमने उसको निल कर दिया, ये चीज क्लियर। अब जो है बची हमारी बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में जो है कैलकुलेशंस भी आएंगी और ये जो है सारी चीजें दी है वो आएगा और इसमें ये जो दो एडजस्टमेंट है वो हमें करने हैं, इसको बोलते हैं अंतर कंपनी व्यवहार। तो अब जो है हम बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। तो बैलेंस शीट के लिए हम ये पूरा इरेज कर देते हैं फिर हम बैलेंस शीट बनाते हैं। यस, तो बैलेंस शीट में फॉर्मेट हमारा रहेगा यस संयुक्त चिट्ठा। तो संयुक्त चिट्ठे में स्टूडेंट हमें ये वाली बैलेंस शीट लेनी है और इसमें से जो चीजें कौन कौन सी लेनी रहती है वो, तो हेडिंग्स हमारी एज इट इज जाएगी, समता व दायित्व, ठीक है। इसमें अंशधारी कोष ये ले लेंगे हम, अंशधारी कोष के बाद जो है अंश पूंजी। तो अंश पूंजी जो है हमने पिछले क्वेश्चन समझ लिए हैं, तो केवल होल्डिंग कंपनी की आएगी 2,00,000 रुपए, ठीक है। फिर अगली हेडिंग हमारी बनेगी संचय व आधिक्य की। तो रिजर्व एंड सरप्लस में ये चीजें नहीं लेनी है, हमने हमारी कैलकुलेशन करी है संयुक्त लाभ और संयुक्त संचय की। तो संयुक्त लाभ जो है हमने कितना निकाला था, संयुक्त लाभ हमने निकाला था 97,500 और संयुक्त संचय हमने निकाला था 30,000 रुपए, ठीक है ना, ये कैलकुलेशन हमने समझी थी। देन फिर हमारा माइनॉरिटी इंटरेस्ट अल्पपक्ष हित जो हमने निकाला था 42,000 रुपए आया था, ये हो गई ये चीजें। अब इसके बाद जो है चालू दायित्व, तो चालू दायित्व में अब यहां पे हमें ये इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को समझना है। देखिए अंतर कंपनी व्यवहार जो है मैंने थ्योरी में समझाया था कि जब सूत्रधारी कंपनी सहायक कंपनी से कोई व्यवहार करती है, कोई सौदा करती है और सहायक कंपनी सूत्रधारी कंपनी से कोई सौदा करती है, तो यदि अंतर कंपनी व्यवहार हुए हैं तो चूंकि अब वो एक मालिक बन गई है तो उसको जो है हमें हटा देना रहता है। जैसे एस लिमिटेड के प्राप्य बिल जो है वह एच लिमिटेड के हैं, तो देख लें अपन एस लिमिटेड के प्राप्य बिल कितने हैं, 10,000 हैं, तो वह एच लिमिटेड के हैं।
तो इसका मतलब है एस लिमिटेड के प्राप्य बिल हैं, तो एच लिमिटेड के कौन से बिल होंगे? देय बिल होंगे। और ये राशि कितनी है? 10,000 रुपए है। और इधर राशि कितनी है? 15,000 रुपए है। तो अब जब हम देय बिल लिखने जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे लेनदार को भी समझ लें और देय बिल को भी समझ लें, दोनों में एडजस्टमेंट है। देय बिल, अब पहले देय बिल समझ रहे हैं। तो देखिए, ये देय बिल यहाँ पे 15,000 दिया है, ये वाले एडजस्टमेंट को ध्यान दीजिए। एस लिमिटेड के प्राप्य बिल जो है वह एच लिमिटेड के हैं, तो ये 10,000 रुपए के हैं और यहाँ 15,000 दिया है, तो हम 15,000 में से 10,000 रुपए जो है अंतर कंपनी व्यवहार के नाम से घटा देंगे, तो 5,000 रुपए के अभी बचे हैं। क्योंकि ये जो एच लिमिटेड के देय बिल हैं, इसमें कौन से जो 10,000 है वो एस लिमिटेड वाले हैं, तो एस लिमिटेड वाले केवल देय बिल जो है हम उसको हटा देंगे, बाकी के देय बिल उनके रहेंगे, ठीक है। और जब हम प्राप्य बिल की एंट्री करेंगे तो यहाँ जीरो आएगा, नेल आएगा, तो अंतर कंपनी व्यवहार में सेम राशि जो है दोनों उसमें से घटा दी जाती है। अब सेम समझिए इसको, एस लिमिटेड के देनदारों में 6,000 रुपए एच लिमिटेड के शामिल हैं, मतलब एस लिमिटेड के देनदारों में शामिल है तो एच लिमिटेड के लेनदार में शामिल होंगे। तो क्या करना है हमें, पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए, 50,000 प्लस 30,000, और इसमें से माइनस कर दीजिए 6,000 रुपए, ये अंतर कंपनी व्यवहार के नाम से, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन। तो 6,000 रुपए हम लेनदार में से भी माइनस करेंगे, और जब मैं देनदार की एंट्री करूंगी उसमें से भी माइनस करूंगी, क्लियर। ये दोनों ट्रांजेक्शन आपको समझ में आए, दोनों में से हमने घटाया, प्राप्य बिल देय बिल में से घटाएंगे और देनदार और लेनदार दोनों में से घटाएंगे, तो 80,000, 80,000 में से 6,000 गए तो 74,000 रुपए। ये क्लियर समझ में आया आपको, ये एडजस्टमेंट हो गए अपने, ये एडजस्टमेंट हो गए, ये भी हो गया है। अब ये हमारी लाइबिलिटी साइड की बैलेंस शीट पूरी हो गई, अब हम बनाएंगे संपत्ति पक्ष की। तो ये हमारा यहाँ पे टोटल लग जाएगा, जगह कम है थोड़ी तो हम यहाँ पे बनाएंगे, ये हमारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो संपत्ति पक्ष जो है हम यहाँ पे बनाते हैं, ये एडजस्टमेंट भी हो गए, यस। तो संपत्ति पक्ष में जो है हमें ये चीजें दी हुई हैं, चलिए सेकंड पार्ट हमने लिखा, थोड़ा छोटा कर लें, संपत्तियां। तो संपत्ति में सबसे पहले आपको दी है स्थायी संपत्तियां, स्थायी संपत्तियों में भूमि व भवन, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज लिख देंगे 60,000 रुपए। फिर प्लांट व मशीनरी, प्लांट व मशीनरी, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसको भी एज इट इज लिख देंगे। ये जो है वह क्रय मूल्य है जो कि हम गणना में ले चुके हैं, तो ये नहीं आएगा। ख्याति, हमने जो है गुडविल निकाली थी यहाँ पे, तो वह ख्याति की राशि जो है हमें लिखनी है, तो गुडविल हमारी आई थी 9,500 रुपए, ये हम ले लें, ठीक है। अब जो है चालू संपत्तियां, तो चालू संपत्तियों में हम स्टॉक ले लें, रहतिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टोटल ले लेंगे 1,25,000। फिर देनदार, तो देनदार में स्टूडेंट ध्यान रखना, जो अंतर कंपनी व्यवहार के लेनदार में से हमने 6,000 घटाए हैं, देनदार में से भी घटेंगे, 10,000 प्लस 30,000 40,000, और इसमें से 6,000 अंतर कंपनी व्यवहार के, तो ये आएगा आपका 34,000 रुपए, ठीक है। और ऐसा ही जो है प्राप्य बिल, तो प्राप्य बिल जो है आपको कितना दिया हुआ है, 10,000 ही दिया है टोटल, तो 10,000 में से 10,000 पूरे माइनस करके प्राप्य बिल ने लाएगा, अंतर कंपनी व्यवहार के हमने घटाए, ठीक है। और उसके बाद लास्ट हमारी रोकड़ आ जाएगी, कैश, तो रोकड़ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रोकड़ को हम टोटल के बेसिस पे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपए। अब हमारा दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, तो हम चेक कर लें यहाँ पे,
पहले एसेट साइड का कर लें। चार लाख 48,500 जो है हमारा आंसर आ रहा है इस साइड का संपत्ति पक्ष का। ठीक है, अब इधर का चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 297,500 और ये 72 और 79 यस 4,48,500। तो स्टूडेंट हमने इसमें दो तीन नए कंसेप्ट देखे। पहली चीज तो जो एडजस्टमेंट दिए हुए थे इसमें, बहुत चार एडजस्टमेंट दिए थे वो हमने सीखे, और यदि लाभ आपको दो दिए हुए हैं तो किस प्रकार से उसको ट्रीट करना है। तो ये है स्टूडेंट हमारा विथ एडजस्टमेंट वाला एक क्वेश्चन।